शादी की तारीख से खफा हुआ लड़का और उसकी मंगेतर जुदाई नहीं कर पा रहे थे सहन। लड़का लड़की घर से भागे, परिवार वालों के पैरों तले सर की जमीन। बिहार के रहने वाले ये दोनों लड़का लड़की अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर पर सहरा सजाए दूल्हे सा लग रहा यह शख्स है बोलबम साहनी, जो कि दरियापुर थाने के इलाके के तहत पड़ते अकबरपुर का निवासी है। तो वहीं लड़की पानापुर थाना इलाके के रामपुर रुद्र की रहने वाली संध्या कुमारी है और इनके परिवारों ने इनकी शादी तय की थी और छेंका की रस्म 18 मई 2022 को करने के बाद दोनों परिवारों ने अपनी रजामंदी से इनके विवाह का मुहूर्त निकलवाते हुए इनके विवाह की तारीख सन 2023 के लिए तय कर दी थी। शादी तय होने के बाद बोलबम और संध्या आपस में फोन पर बातचीत करने लगे और सिलसिला ऐसा बना कि दोनों को अब एक दूसरे से दूर रहना गवारा नहीं था। बस दोनों जल्द शादी के बंधन में बंद एक दूसरे के होना चाहते थे, लेकिन परिवार की ओर से शादी के लिए तय की गई तारीख बेहद दूर थी, लिहाजा दोनों ने एक होने का फैसला करते हुए दोनों बिना किसी को बतलाए 8 नवंबर को घर से भाग निकले। लेकिन लड़की के गायब होने का जैसे ही परिवार को पता चला, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। और जब पता चला कि संध्या अपने होने वाले पति बम बोल साहनी के साथ ही भागी है, तो दोनों ही परिवारों ने बच्चों की खोजबीन करते हुए उनकी शादी जल्द करवाने की बात कही। तब कहीं जाकर ये दोनों लौटे और फिर परिवार और प्रशासन की मौजूदगी में दोनों की शादी करवाई गई। अच्छा, शादी अपने मर्जी से कर रहे हैं? बोलिए जोर से। हाँ। आपका मम्मी पापा राजी है? यहाँ पे है वो लोग? और कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलबम साहनी और संध्या एक होने के बाद बेहद खुश हैं और शादी होने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये शादी जिसकी चर्चा खूब हो रही है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बतलाएं और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइव, बिहार।